नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था। देश तो आजाद हो गया, लेकिन बापू का सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। बापू के उसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की योजना के मुताबिक हर सांसद को साल 2019 तक 3 आदर्श गाँव बनाने, जिनमें 2016 तक सांसदों की ओर से गोद लिया पहला गांव आदर्श गांव में तब्दील हो जाना चाहिए था, और इसके बाद साल 2019 तक 2 और गांव को गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना था। प्रधानमंत्री के कहने पर सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को गोद तो लिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आकार ले पाए? क्या सांसदों के गोद लिए गाँव आदर्श गाँव में तब्दील हो पाए? हम पिछले कुछ वक्त से लगातार इसी बात की पड़ताल कर रहे हैं, और हमारे कैमरे गांव में विकास की जो तस्वीरें कैद कर रहे हैं उससे हम आपको भी रूबरू करा रहे हैं। दरअसल बापू के ग्राम स्वराज की कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की और अपने सभी मंत्रियों सांसदों को 5 साल के कार्यकाल में 3 गांव को गोद लेकर उन्हें विकसित करने का निर्देश भी दिया। सभी सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव को गोद लेकर विकास के काम शुरू भी किए, लेकिन सांसदों के ढुलमुल रवैये की वजह से प्रधानमंत्री की ये योजना जमीनी स्तर तक नहीं पहुँच पा रही। केंद्र में एनडीए सरकार बने 4 साल का वक्त पूरा हो चुका है और सरकार अपने 4 साल की उपलब्धियों में सांसद आदर्श ग्राम योजना का खूब बखान भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दावों का सच दिखाने के लिए हम लगातार आदर्श गांव के विकास की हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम कुशीनगर जिला और देवरिया संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले धौरहरा गाँव भी पहुँचे, जिसे देवरिया सांसद और केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ने गोद लिया। यहाँ पर हमें विकास की जो तस्वीर दिखाई दी है आप भी देखिए। यह है कुशीनगर का जनपद धौरहरा गांव। वैसे तो आज से 2 साल पहले तक इस गांव को शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन जैसे ही देवरिया संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्र सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने अप्रैल 2016 में इसे गोद लिया, रातों रात धौरहरा गांव सुर्खियों में आ गया। अखबारों न्यूज चैनलों की खबर बन गया धौरहरा गाँव। आदर्श गांव के तौर पर जब ये गांव चर्चा में आया तो गांव वालों की उम्मीदों को भी पंख लग गए। गांव में अच्छे दिन की आस में गांव वालों ने खूब जश्न मनाया। सांसद और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने भी गांव वालों की उम्मीदों को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कलराज मिश्र ने गांव वालों से सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास के सारे मानदंडों को पूरा करने का वादा किया। तो क्या 2 साल बाद धौरहरा आदर्श गाँव बन सका है? क्या धौरहरा गांव में आदर्श ग्राम की परिकल्पना जमीन पर उतर पाई है? इसी की पड़ताल करने के लिए एपीएन की टीम धौरहरा आदर्श गांव पहुंची। NH28 पर स्थित जोकवा बाजार में कुछ किलोमीटर दूर चलने पर धौरहरा गांव पड़ता है। 14 टोलों का ये गांव धौरहरा NH28 के पास होने के कारण विकास की दौड़ में कोई बहुत पीछे नहीं था, लेकिन 2 साल पहले जब उसका चयन देवरिया से बीजेपी सांसद और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने आदर्श गांव के रूप में किया तो गांव का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक था। चयन के बाद इस गांव में विकास की मैयार बहाने के क्रम में कुछ टोलों में पुराने खंडजों को उखाड़ कर वहाँ कुछ इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण कराया गया, लेकिन कई खंडजा सड़कें आज भी जर्जर हालत में है। गांव की गलियों में हमें कहीं भी सीसी रोड या पक्की सड़क नजर नहीं आई। गांव वालों का कहना है कि गांव में जो चंद सड़कें बनी हैं, उसे ग्राम प्रधान ने अपने फंड से बनवाया है। सड़कों को बनवाने में मंत्री जी का मात्र इतना योगदान है कि कई सड़कों को पक्का करने के लिए 2 साल पहले नापी का काम किया गया। हालांकि 2 साल बीत जाने के बाद भी सांसद की ओर से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। गाँव में विकास की दुर्गति देख कर गाँव वाले बेहद आहत है। हमें समय से जो पहले था उससे बहुत कम बना। बिजली, पानी, सड़क के लिए नाली वगैरह, आरओ प्लांट लगवाने के लिए कुछ काम कराए, वह भी जो है वैसे ही पड़ा हुआ है। प्रधान जी के गांव से लेकर मुख्य सड़क तक बीच में जो पोखरे से होकर रास्ता जाता है, आज तक जो है वह खड़ंजा के अलावा कुछ नहीं हो। बिजली की भी समस्या काफ़ी दुरूह है, वह भी जो है उनके नॉलेज में सुने कि जो सब कनेक्शन वगैरह सही हो जाएगा, वोल्टेज वगैरह भी नहीं आता है। जब वो एक बार आए थे तो ऐसी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सब कुछ जो है
गोद लेने की वजह से ये सब संपन्न हो जाएगा, लेकिन आज तक तो फिर दोबारा ऐसी कोई बात ही नहीं हो पाई। बहुत कम है, बहुत कम हुआ है, बहुत कम है। हाँ ध्यान दे, बहुत कम हुआ। अब क्या कहा, हम क्या कहें, लेकिन बहुत कम हुआ है। हमारा 10% लगभग समझिए। नहीं, कोई संतुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार काम हमारे गाँव में दिए हैं। जैसे आरओ प्लांट एक बैठाए हैं, वो बिजली के कारण अभी चालू नहीं हुआ है। विवाह भवन बनवाए हैं और एक आध दो इंटरलॉकिंग करा के सड़क दिए, और उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। दो बार आए हैं हमारे गांव में। नहीं, संतुष्टि पूरी नहीं है, लेकिन कोई दो चार काम हुआ है। कौन कौन बता दीजिए। नाली जो है कि इसका ढक्कन भी नहीं है, वैसे है, मच्छर वगैरह सारे जो गंदगी जो है, हम लोग रहना मुश्किल हो जा रहा है। रोजगार भी नहीं है। लाइटरूम का हुआ था कि ये पूरा गाँव हो जाएगा, वो भी पूरा नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जब इस गांव को गोद लिया, उस वक्त धौरहरा गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। गांव गोद लेने के बाद सांसद महोदय ने पानी से संबंधित कई योजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के माध्यम से पानी की टंकी और आरओ प्लांट बनाने का काम शुरू किया गया। आज पानी टंकी और आरओ प्लांट दोनों ही बनकर तैयार है, लेकिन गाँव वाले फिर भी प्यासे है। वजह है सरकारी लापरवाही। आरओ प्लांट एक साल से धूल फांक रहा है। लाखों रुपए की लागत से बना स्वच्छ पानी का प्लांट महज विद्युत आपूर्ति और ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से बंद पड़ा है। इस परियोजना पर लाखों खर्च करने के बाद भी लोग सालों पहले लगे पुराने नलकों का अशुद्ध पानी पीने को मजबूर है। गोद लेने के बाद से एक आरओ लगा जो है पानी के लिए, बहुत बड़ा काम माननीय मंत्री जी ने किया था, लेकिन ट्रांसफार्मर के अभाव में आज तक वो आरओ जो है वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है और वो चालू नहीं हुआ है। जबकि एटीएम सिस्टम आरओ वो लगा हुआ है, आदमी एटीएम ले जाएगा और एटीएम से पानी मिलेगा उसको। माननीय मंत्री जी द्वारा गांव में 44 स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है जो जल रहे हैं, विवाह भवन बना हुआ है दुभा घाट पे, और एक इंटरलॉकिंग सड़क बना हुआ है। यहाँ पानी के लिए उन्होंने आरओ प्लांट लगवाया, टैंक बनवाया, लेकिन यथावत स्थिति है, उसमें न बिजली की व्यवस्था है, न बिजली आ सका है, न कुछ। वहाँ जो रास्ते जा रहे हैं वो भी रास्ता नहीं बन पाए, जिसके लिए उन्होंने कहा भी था। अनदेखी ही अनदेखी होती जा रही है बार बार। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ख़राब है। बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है, जबकि ये सांसद जी का लिया हुआ गाँव है, गोद लिया हुआ। सांसद कलराज मिश्र ने आदर्श गांव धौरहरा में विकास की बयार बहाने के लिए गांव में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार देने की भी बात कही थी, लेकिन धौरहरा में विकास की पड़ताल के दौरान हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखी जिससे गांव में स्वरोजगार को विशेष बढ़ावा मिले। हाँ, इसके लिए खानापूर्ति करने की कोशिश जरूर दिखी। गाँव गोद लेने के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद कलराज मिश्र ने अपने मंत्रालय से 10 चरखे लगाकर स्वरोजगार मुहैया कराने की कोशिश की। कुछ दिनों तक चरखा प्रशिक्षण कार्य चला भी, लेकिन गांव की आबादी के हिसाब से वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। कलराज मिश्रा एक ऐसे मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं जिसके माध्यम से कुटीर उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन मंत्री जी ने तो ग्रामीणों को महज 10 चरखा देकर विकास की औपचारिकता पूरी कर ली। कलराज मिश्र ने वादा किया हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे, और युवाओं को कहे कि आप लोग लगे रहिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं मिल पाया, और इसलिए हम लोग काफ़ी नाखुश हैं और निराश हैं। जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जैसा मुझे पता है गांव में जब से उन्होंने आदर्श ग्राम इसको गोद लिया है, तब से उन्होंने सिर्फ 10 चरखे प्रोवाइड कराए हैं महिलाओं के लिए, और 10 या 15 दिन हमको लग रहा है उनकी ट्रेनिंग भी चली थी, लेकिन युवाओं में कोई भी रोजगार अब तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया है। और जब तक युवाओं के लिए रोजगार नहीं प्रोवाइड कराएंगे, ये जनता कभी खुश नहीं होगी इस सरकार से। जब हमारे गाँव को कलराज मिश्र जी ने गोद लिया तो हम लोग युवा वर्ग बहुत खुश हुए कि हम लोग गांव में कुछ ना कुछ कुटीर उद्योग लगेगा। हमारे गांव में इतने बड़े मंत्री आकर हमारे गांव को गोद लिए हैं तो हम लोग बहुत खुश हुए, और हमारे गांव में इतना बड़ा पंचायत होकर, ग्राम पंचायत होकर इतना बड़ा आज चरखा मिला, जो कि महिलाओं को टाइम से पेमेंट नहीं मिलता है, और पेमेंट मिलता भी है तो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद मिलता है पेमेंट, बहुत स्लो पेमेंट मिलता है। सड़क भी बोले बनवाने के लिए, वो भी सड़क भी नहीं बन पाया हम लोग गाँव में। सांसद आदर्श ग्राम परियोजना प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना को बनाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी के जहन में सांसदों के व्यक्तिगत प्रयासों से आदर्श गांव बनाने की सोच थी, लेकिन हाल ये है कि ज्यादातर सांसदों ने इस योजना के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीएम के आह्वान पर सांसदों ने गाँव को गोद तो ले लिया, लेकिन महज खाना पूर्ति के लिए।
आम सांसदों को तो छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रियों ने भी गांव को गोद लेकर उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं की। देवरिया सांसद और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के गोद लिए गांव धौरहरा में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। दिवाकर राय, एपीएम कुशीनगर। देखें स्पेशल रिपोर्ट, हम बात कर रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। आज से करीब 2 साल पहले अप्रैल 2016 में जब देवरिया के सांसद कलराज मिश्र ने धौरहरा गांव को गोद लिया था तो लोगों को लगा था कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। सांसद ने भी गांव के कायाकल्प का वादा किया था, लेकिन 2 साल के बाद भी गांव वालों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो कि एक आदर्श गांव में होनी चाहिए थी। हालांकि सांसद ने कुछ काम जरूर किए, लेकिन लापरवाही की वजह से गांव वालों को इन सुविधाओं का फायदा अब तक नहीं मिल पा रहा। जैसे जैसे हमारी तहकीकात आगे बढ़ती गई, गाँव में कई बुनियादी सुविधाओं में कमियाँ सामने आती गईं। कलराज मिश्र जैसे वरिष्ठ बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री ने धौरहरा गांव को गोद लिया तो इस गांव की चर्चा दूर दूर तक की गई। इस गांव को गोद लेने के बाद शोहरत तो मिली, लेकिन क्या सांसद विकास की सौगात दे पाए, ये जानने के लिए एपीएन की टीम ने गांव की गली गली का जायजा लिया। अब तक की छानबीन में हमें कोई खास विकास नहीं दिखा। कई सड़कें हैं, गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो सके। वही सांसद कलराज मिश्र ने आरओ प्लांट, पानी की टंकी की सौगात तो दी, लेकिन ये भी बिजली आपूर्ति ना होने की वजह से अब तक शुरू नहीं हो सकी है। कलराज मिश्रा लला रानी गोद तो वहाँ कहने जे लाइट भी लग जाई, लड्डू भी बन जाई और सड़क भी जो जमी बा भी बन जाई, लेकिन नाला बन जाई, लेकिन खाली एक सोलर लगा है, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। नहीं नहीं भाई काम कोनो कारण के भाई ना लैट्रिन बना ना पिंसी बना कोई कुछ नहीं भाई। यही यही रोड बना है और सारा रोड बाकी है और सारा काम बाकी है। दूसरा तो हमारे नॉलेज में नहीं है, शौचालय नहीं है, लोगों के घर नाली नहीं है, नाली खुली है, यही यही व्यवस्था है, अच्छा नहीं है प्राइमरी हाल का विद्यालय का। अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए हम गांव में स्वच्छता अभियान का जायजा लेने पहुंचे। स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा देश खुले में शौच मुक्त हो जाए। धौरहरा गांव में खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत शौचालय के निर्माण में तेजी तो है। गांव के कई टोलों पर शौचालय का निर्माण भी करा दिया गया, लेकिन अभी कई टोलों में शौचालय नहीं बनवाए गए। गाँव के लोगों का कहना है कि जो काम किया जा रहा है वो तो सामान्य तौर पर गाँव के प्रधान भी करवा देते हैं, लेकिन आदर्श गांव बनने का कोई भी बड़ा फायदा उन्हें अब तक नजर नहीं आया। गांव में आज भी काफी बड़ी संख्या में लोग आवास और शौचालय के लिए आस लगाकर बैठे हुए। सांसद जी, ये गांव में शौचालय नहीं क्या बना और बताई हमने के कहाँ जाए जा, हाँ रोड पर गैला पर लोग पहरा करत अटे, हाँ हमने गांव में कोनो चीज के व्यवस्था नहीं है तो कहाँ लोग जाये, हाँ खाली 2 साल हो गए, 2 साल में कोनो चीज हमने की गाँव के ना भइल तो कहाँ क्यों जाए, हाँ एक बेर आके कोई दिन नहीं बात से फिर देखो ना आई नहीं है ना नारी बा और ना लैट्रूम बा। सांसद जे गोद ले ले बा, हाँ सांसद जे गोद ले ले बा उन्हें क्या बनवाओ ले, हाँ ना लैट्रूम बा ना नारी बा, पानियों का निकास नहीं क्या भाई कॉल के खाली बात के पॉलिसी बा। चलिए अब आपको आदर्श गाँव धौरहरा के बिजली व्यवस्था का हाल भी दिखाते हैं। गांव के लोगों का कहना है कि आदर्श ग्राम के तौर पर गोद लेने के बाद भी यहां बिजली की व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। हालांकि जिन टोलों में बिजली नहीं थी वहां पर शुरुआती दिनों में सोलर लाइट की व्यवस्था तो की गई और गांव में 44 सोलर लाइट लगाने का काम किया गया। बाद में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली के खम्भे और तार खींच कर घरों में मीटर लगा दिए गए, लेकिन अभी तक उन तारों में बिजली नहीं दौड़ पाई। वहीं सोलर लाइट के लगने के 1 साल के बाद ही ज्यादातर सोलर लाइट्स खराब हो चुकी हैं। गांव के जिन टोलों में पहले से बिजली की व्यवस्था थी वहां पर भी आपूर्ति ठीक नहीं है और भीषण गर्मी में लोग ठंडा के लिए पेड़ों की छांव के भरोसे ही हैं। कुछ काम तो उन्होंने किया है लेकिन फुलफिल नहीं है, जैसे अब तो आरओ बैठाए उनका अभी पानी सप्लाई नहीं है या खरंजा या नालियाँ जो है अभी तमाम जगह जगह बाकियाँ हैं और ये बिजली की समस्या जो है इस गाँव में बहुत ज़्यादा है। अगर बिजली आ भी रही है तो वोल्टेज बहुत ही डाउन है,
और मुश्किल से 5 या 6 घंटे बिजली रह रही है। बाकी इस कड़ाके की धूप में हम लोग परेशान हैं बिजली से। जब हमारे गांव को माननीय कल्लाज मिश्रा जी ने गोद लिया उस समय जैसी स्थिति थी और आज भी स्थिति वैसे ही सामान्य दिख रही है। इससे ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ विकास कार्य किया है, कहीं सोलर लाइट लगा है, बिजली की व्यवस्था तो सारी वैसे ही दिख रही है। कहने को आदर्श ग्राम है लेकिन बिजली की व्यवस्था यहाँ तो सबसे बदतर दी जा रही है। हम तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है इस सरकार से, जिन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देंगे, यहाँ तो 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। जब शांत पहले का थी तो पहले कुछ लाइट सही आता था, अब मान बीच में इंटर का पेपर पड़ा था, कभी आ रहा था लाइट, कभी नहीं आ रहा था, समय समय से लाइट नहीं दे रहा था और वोल्टेज भी मैंने लो दे रहा है। सांसद जी को गोद लेने से अभी कोई विकास नहीं हुआ है। आर ओ यहाँ पर बैठा है, वो भी बन गया है कि पूर्ण तरह से वो चालू नहीं हुआ है। 2 साल पहले कलराज मिश्रा गांव को गोद लिए थे, गांव में तार लग गया है, पुल गड़ गया है, घर घर में मीटर लग गया है, गांव में बिजली नहीं आ रही है। सोलर लगा है, उसमें कई सोलर खराब हो चुके हैं। सांसद के गांव को आदर्श बनाने के लिए गोद लेने के बाद से शिक्षा और स्वास्थ्य और खेलकूद की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। गांव में एक प्राथमिक और एक माध्यमिक स्कूल गोद लिए जाने से पहले के इन स्कूलों की इमारत और रंग रोगन अच्छा है। हालांकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सांसद ने वादा किया था, गाँव में 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोलने का वादा किया था, लेकिन हाल तो ये है कि सांसद कलराज मिश्र दोबारा गांव देखने नहीं आए। वहीं आदर्श गांव बच्चों के खेलकूद के लिए ग्राम सभा की जमीन पर एक खेल का मैदान तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर जगह कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए खेलकूद के माध्यम, मतलब खेलकूद के लिए कुछ ग्राउंड्स बनने चाहिए और हर एक स्कूल में एकेडमिक चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कुछ खेल कूद कंपटीशंस, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और उन्होंने कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बनवाया, उन्होंने ऐसे खेल कूद के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया नहीं है। और जहाँ तक बात है शिक्षा की, तो शिक्षा के मतलब क्षेत्र में उन्होंने स्कूल कोई मॉड्यूलर नहीं काम किया है, सारा प्रधान जी ने करवाया है, उन्होंने पूरे स्कूल को मॉड्यूलर किया। खेल कूद के क्षेत्र में कई काम किए हैं, जबकि उन्होंने गोद लेने के बाद सिर्फ भाषण दिए हैं, भाषण के अलावा कुछ दिया नहीं है। आदर्श गांव में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं का होना बुनियादी शर्त है, लेकिन धौरहरा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो ग्राम सभा में पहले से ही एक NM सेंटर है, लेकिन उसमें भी ज्यादातर समय ताला ही लटका रहता है। गाँव वालों का आरोप है कि सांसद कलराज मिश्र ने गाँव गोद लेकर स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो वही जो टीकाकरण अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का, जो दस्तक अभियान अभी, तो उसका कुछ टीका उका लग रहा है। और ये सेंटर की बात है तो सेंटर तो बहुत पहले से है, ये स्वास्थ्य केंद्र है और पहले यहाँ पे मिडवाइफ भी बैठती थी और टीका वगैरह लगता था। हम लोग ये पिछले साल हम लोग ये इंसेफ्लाइटिस का टीका हम लोग लगवाए थे। कुल मिलाकर देखें तो आर ओ प्लांट और पानी की टंकी सांसद की उपलब्धि के खाते में जा सकती है। हालांकि ये भी बिजली आपूर्ति न होने से शुरू नहीं हो पाए। वहीं सांसद महोदय ने जिस काम को पूरा कराया उसमें एकमात्र विवाह भवन है जो पूरी तरह से तैयार दिख रहा है, जिसका उपयोग ग्रामीण कर पा रहे हैं। इसके अलावा सांसद आदर्श गांव की सोच के अनुसार लागू होने वाली कोई भी योजना जमीन पर नजर नहीं आ रही। हमारे गांव में खुला नाली बना है, उसके बाद अभी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और बाकी सफाई या बिजली का काम, पानी वाली व्यवस्था, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हाल ये है कि खुद गांव के बीजेपी नेता भी बीजेपी सांसद कलराज मिश्र के कामों से खफा दिखाई दे रहे हैं। कलराज मिश्रा ने जब इस गांव को गोद लिया तो बड़ी प्रसन्नता हुई। उच्च शिक्षा के विषय में मिश्रा जी ने कुछ बोला नहीं। सोलर जो लगवाए 70 देने के लिए कहे, 40 दिए, वो भी 40 में 35 जो है बैठ गए हैं। बार बार प्रधान से कहने के बावजूद भी प्रधान जी जब बात करते हैं तो न कोई आता है, न उसको कोई बनाता है, न उसको बिगाड़ता है, बाकी अंधेरा का अंधेरा ही रह गया। बिजली की ये दशा ये है कि अगर वो LED बल्ब न हो तो हम लोगों को मोबाइल चार्ज करने भर के बिजली नहीं मिलती है। यही हमारे कलराज मिश्रा जी इस गाँव को आदर्श गाँव घोषित करके और काम इतना बढ़िया किया है कि बस इच्छा टूट जाती है, हम लोग जनता से कुछ बात नहीं कर पाते हैं। गाँव में रामराज्य लाने की सोच को लेकर
प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर चाहे जो भी कल्पना करें, लेकिन देवरिया के सांसद और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के 2 साल में किए गए कामों और गांव के विकास की तस्वीर ये जरूर बता रही है कि आदर्श गांव तो फिलहाल यहां के लोगों के लिए आज भी सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देवरिया लोकसभा से सांसद और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने कुशीनगर जनपद के धरहरा गांव को गोद लिया था। 2 साल पहले इस गांव को गोद दिया था, लेकिन 2 सालों में धरातल पर सांसद आदर्श ग्राम का कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। जहां आदर्श ग्राम के तहत पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और मूलभूत सारी सुविधाओं को पूरा करना था, उन सुविधाओं में से मात्र एक पानी की टंकी और कुछ सोलर लाइटों को ग्रामीणों को दिया गया और इसी भरोसे सांसद आदर्श ग्राम की परिकल्पना को पूरी कर ली गई। ना तो पानी की टंकी चालू हो पाई, ना आरओ चालू हो पाया और ना ही आज सोलर लाइटें जल रही हैं। और मंत्री जी, ग्रामीणों से मिलना तो दूर, अपने लोकसभा क्षेत्र में आने से भी नदारत हैं। दिवाकर राय, APN न्यूज़, कुशीनगर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।